था उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर काउंसलिंग होगी तो काउंसलिंग के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट क्या क्या प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं वो रखना है आपको 10th और 12th का मार्कशीट रखना है, ठीक है, जो 10th और 12th का रिजल्ट हमें स्कूल से मिलता है वो रखना है आपको। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने वाला है हमारा वो है डोमिसाइल। आप उत्तराखंड के हो, आपका अपना डोमिसाइल होना चाहिए, आपके किसी पेरेंट्स का डोमिसाइल नहीं चलेगा यहाँ, किसी आपके फादर का, मदर का या फिर भाई का, बहन का नहीं चलेगा, आपके खुद के नाम का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, वो आपके काउंसलिंग के टाइम पर काम करेगा। और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आप SC हो, ST हो, OBC हो, और अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो वो आपको क्या करना होगा, रखना पड़ेगा। अगर वो एक्सपायर हो गया तो उसको रिन्यू करवा लीजिए अपने किसी पास की तहसील से जाके, ठीक है। तो यही डॉक्यूमेंट्स है जो आपके लगेंगे, 10th और 12th की मार्कशीट लगेगी, डोमिसाइल लगेगा, अगर कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो लगेगा। और एक जो पासवर्ड होता है जो आपको जब आप लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो